प्यारे विद्यार्थियों, प्रोफेसर मोहन सिंह पंजाबी काव्य जगत का एक रंग रंगीला शायर है। प्रोफेसर मोहन सिंह की कविता रोमांसवादी, प्रगतिवादी कई रंगों के विच साढ़े कोल सामने आती है। वो अपने बारे अक्सर कहा करता है कि मैं शायर रंग रंगीला, मैं पल पल रंग वटावा, जे वटदा रवां तां जीवां, जे खड़ा तां मर जावां। इस रंग रंगीले शायर दी बहुत ही प्रसिद्ध कविता ताज महल तुहाडे सिलेबस दे विच शामिल कीती गई है। जिस तरह मैं कहा कि एक कवि जिहड़ा है, इस कवि दी कविता दे विच सानू रोमांसवाद, प्रगतिवाद कई तरह दे रंग नज़र आउंदे ने। इस तरह जिहड़ी उहदी इह रचना है ताज महल, एक बहुत ही चर्चित रचना है। और ताज महल कविता जिहड़ी है वह रोमांसवादी माहौल दे विच शुरू हुंदी है, जदों कवि अपनियां सुत अनिंदियां अखां जिहड़ियां ने उहनां दे नाल देख रिहा है ताज महल दी सुंदरता नूं। ते उस तों बाद जिहड़ी इह कविता है वह प्रगतिवादी रंग दे विच पहुँच जाती है, तो एक सवाल छड के जाती है। प्रगतिवाद की है? जिदे विच असी एक तरह का मार्क्सवाद ही है, जिदे विच किरतियां किसानों की गल की जाती है, दब्बे कुचले लोगों की गल की जाती है, साम्राज्यवाद का विरोध किया जाता है, लुट कसुट धार्मिक अंधविश्वास इन्हों का विरोध किया जाता है, और तर्क की विज्ञान की नवी सोच को हंगारा दिता जाता है। सो जिहड़ी ताज महल कविता है, आओ उहदा जिहड़ा केंद्री भाव है उहदे ते विचार करिए। तुहाडे स्क्रीन ते स्क्रोल होया ताज महल कविता दा केंद्री भाव, मैं इहनूं पढ़ रहा हाँ। ताज महल, प्रोफेसर मोहन सिंह। ताज महल कविता पंजाबी दे रंग रंगीले शायर प्रोफेसर मोहन सिंह दी एक शाहकार रचना है। यह रचना साडी पाठ पुस्तक लाजमी पंजाबी भाग 12 विच दर्ज है। इस कविता दे आरंभक भाग विच कवि ताज महल अते उसदे चुगिरदे दी रोमांसवादी तस्वीर पेश करदा है, पर अंत तक पहुँचदियां यह कविता प्रगतिवादी दृष्टिकोण नूं पेश करदी है। मजदूरां अते उहनां दे परिवारक मैंबरां दी दुखदाई हालत नूं कवि ने बखूबी पेश कीता है। अंत विच यह कविता प्रगतिवादी प्रश्न छड के जांदी है। प्रश्न की है? कि ओह हुसन हुसन है सचमुच जां उंज ही छलदा, लख गरीबां मजदूरां दे हंझुआं ते जो पलदा। सो इस तरह यह कविता एक सवाल छड के जांदी है कि उस खूबसूरती नूं खूबसूरती मनणा जायज़ है जिहड़ी कि किसी दे हंझुआं ते पड़ी होवे। ये किस चीज़ वल इशारा है? ये उस चीज़ वल इशारा है कि जदों ताज महल बनिया तां उस समय बादशाह ने उहनूं बनाउण वाले जिहड़े लोग सी उहनां किरतियां नूं इनाम सन्मान देण दी थां, जिस तरह के इतिहास में जिक्र असीं पढ़ते हाँ, उन्होंने बहुत सारे तसीहे दिते, उन्होंने जुल्म किए, तो वह दास्तान तुसी अलग तो इतिहास में पढ़ते हो। सो कवि कहता है कि वह हुसन हुसन है सचमुच, कि वह खूबसूरती वाकई खूबसूरती है कि जां उंज सानू छलावा दे रही है जो लखां गरीबां मजदूरां दे हंझुआं ते पलदी है। सो ये कविता रोमांसवादी माहौल तो शुरू होकर प्रगतिवादी माहौल तक जाती है, तो यदा तुसीं केंद्री भाव नोट कर लिया होना है। जिहड़ी अगली कविता तुसी अपने स्क्रीन दे उत्ते, जिस कविता दी लेखका दी तुसी तस्वीर देखते रहे हो, कवित्री दी तस्वीर देख रहे हो, वो हैगे ने जी अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम पंजाबी दी प्रसिद्ध कवित्री है, इन्हां नूं बहुत सारे इनाम सन्मान मिले ने। अमृता प्रीतम की सब तो जिहड़ी प्रसिद्ध रचना हुई है अज आखां वारे शाह नूं, वो तुहाडे सिलेबस का हिस्सा बनी है। अमृता प्रीतम ने रोमांसवाद, प्रगतिवाद, प्रकृतिवाद, नारीवाद कई तरह दियां जिहड़ियां ए विचारधाराएं ने उन्हां ते अपनी रचना जिहड़ी है वो रची है। अमृता प्रीतम कविता लिखण दे नाल कविता कहण दा भी बहुत वक्खरा अंदाज़ जिहड़ा सी वो रखदे सी। अमृता प्रीतम की कविता जिहड़ी है उहदे विच
देश वंड दा दुखांत पेश होया ते जदों 1947 दी वंड होई है ते बहुत सारी कतलोगारत हुई है उस समय कवि मन जा कवित्री दा जेड़ा मन है वह बड़ा उदास हो जाता है कि कवि लोग शायर लोग साहित्यकार लोग रोशन दिमाग लोग क्यों इन्हां चीज़ां दा विरोध नहीं कर रहे। तो उन्हें याद आती है कि एक बारी वारिस शाह ने जिहड़ी हीर रची सी एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैण अज लखां धीआं रोंदियां तैनूं वारिस शाह नूं कहण। तो एंड दे उत्ते उह कविता दे विच जदों कहिंदी है कि अज आखां वारिस शाह नूं तूं इह कबरां विच्चों बोल कि अज पता नहीं की हो गया साडे लेखक इस जुलम दा इस जबर दा विरोध नहीं कर रहे अज तैनूं ही मैं कह रही हाँ कि तूं ही कबरां चों उठ ते बोल ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वरका फोल कि तू उठ के कोई प्यार मुहब्बत की गल कर लोगों के हक लोगों के इंसाफ की गल कर। सो ये जिहड़ी कविता है बड़ी चर्चित कविता है 47 के दुखांत को पेश करती है। तो अमृता प्रीतम की यह जिहड़ी चर्चित कविता तुहाडे सिलेबस है आओ वो केंद्रीय भाव के उत्ते नज़र मारीए जी। वारिस शाह अमृता प्रीतम ये उन्होंने रचना है। वारिस शाह कविता पंजाबी दी प्रसिद्ध कवित्री अमृता प्रीतम दी मशहूरे जमाना कविता है जमाने विच मशहूर हुई कविता है। ये साड़ी पाठ पुस्तक लाजमी पंजाबी भाग 12 विच दर्ज है। अमृता प्रीतम पंजाबीयत दी आवाज़ है। इस कविता विच उसने देश वंड दे दुखांत दी झलक बड़े काविक अंदाज विच भाव कविता दे अंदाज विच पेश कीती है। कविता विच प्यार दा जशन मनाउण वाली पंजाब दी धरती दे नफरत नाल भर जाण दा जिक्र मिलदा है। कवित्री नूं दुख है कि उस समय दे साहित्यकार अपना फर्ज़ भुल के चुप चाप बैठे रहे। इसे कारण वह वारिस शाह नूं आखदी है अज आखां वारिस शाह नूं तूहें कबरां विच्चों बोल ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वरका फोल। तुसी साहित दे विद्यार्थी हो तुसी माँ बोली पंजाबी नाल जुड़े हुए हो जिस तरह तुसी जानते हो कि बहुत सारे जिहड़े साहित्यकार ने उन्होंने 1947 की वंड बारे बहुत सारिया रचनावां लिखिया ने वंड के दुखांत को जिन्हों असी लकीर का दुखांत कहने हैं क्योंकि याद रखने की गल है कि अंग्रेज़ों तो अंग्रेज़ों के राज विच जां अंग्रेज़ों के जिहड़ी नीति सी उहदे नाल दो सूबे भारत के वंडे गए से एक बंगाल वंडिया गया सी एक पंजाब वंडिया गया सी। पंजाब जिहड़ा वंड होया सी ओ कुछ हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से है कुछ हिंदुस्तान के हिस्से है। जो दो देश बने पाकिस्तान ते हिंदुस्तान तो संताप किनू भोगना पिया पंजाबियों नू इक्को सभ्याचार इक्को जिहा बोली का ताना बाणा इक्को जे रिश्ते नाते ते सारा कुछ इक्को जिहा होण दे बावजूद धरती दी हिक ते लकीर खिच दित्ती गई कंडियालियां वाड़ां लग गईयां। सो वो एक फुट पाओ ते राज करो दी नीति दे तहत सारा कुछ होया सी पर साढ़े बहुत सारे लेखक इहदे बारे अपना प्रतिकर्म नहीं दे सके आपदा बयान नहीं दे सके अपनियां रचनावां नहीं दे सके लोगों नूं जागरूक नहीं कर सके सच दी आवाज़ नहीं उठा सके जिहदे विरुद्ध अमृता प्रीतम ने ये एक अपने पीड़ा नूं अपनी जिहड़ी उहदे दर्द है उहनूं पेश कीता जिहदे विच उहने कहा कि हे वारिस शाह तू तां एक धी पंजाब दी हीर रोई सी ते लिख लिख वैण मारे सी ते हुण लखां धीआं रोंदियां तैनूं की कहिंदियां लगदियां ने कि तू ही कबरां 'च उठ तू ही बोल ते पंजाब दा जो दुखांत है जो औरतां दे नाल जुलम होए ने जो लोकां नाल लुकाई दे नाल जुलम होए ने उहदी वार्ता जिहड़ी है वह लिख। सो ये वारिस शाह कविता बड़ी प्रसिद्ध कविता है यदि जिहड़ी बैकग्राउंड है पिठभूमि वह भी तुहाडे नाल मैं थोड़ी जी डिस्कस की है तो इहदा केंद्रीय भाव भी तुहाडे सामने स्क्रीन ते है तुसी नोट कर लिया होना।